यह 16 इंचेस वाला एलसीडी राइटिंग टेबलेट जिसके अनबॉक्सिंग हम करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और यदि आप भी स्टूडेंट हैं या फिर आपके घर पे कोई स्टूडेंट है तो यार ये एलसीडी राइटिंग टेबलेट आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि यदि ये राइटिंग टेबलेट आपके पास होगा तो आपको रफ के लिए पेपर पेन या फिर चॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये राइटिंग टेबलेट नर्सरी के बच्चों से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मान लो आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप वो काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इस वाले राइटिंग टैबलेट में। यदि आपका बच्चा नर्सरी में, आप उसे कुछ लर्न करवाना चाहते हैं, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, तो आप वो भी काम इससे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यदि बात करें इस एलसीडी राइटिंग टेबलेट के प्राइस की, तो आपको 1900 कुछ रुपए का मिलता है अमेजन पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से इस बड़े से 16 इंचेस वाले एलसीडी राइटिंग टेबलेट की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि यार आपको इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, इस वाले बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो वो सब जानने के लिए सबसे पहले करना होगा इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, आप लोगों का आज के वीडियो में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आपको कुछ इस प्रकार की बहुत ही शानदार बॉक्स पैकिंग देखने को मिल जाएगी इस वाले एलसीडी राइटिंग टेबलेट की। 16 इंचेस एलसीडी राइटिंग टेबलेट आपको यहाँ पे लिखा देखने को मिल जाएगा, बहुत ही बड़े सी इमेज दी हुई है और यहाँ पे राइट्स लाइक पेन ऑन पेपर यहाँ पे आपको लिखा देखने को मिल जाएगा। मतलब क्या, इस वाले राइटिंग टेबलेट में आपको पेपर पेन वाली फीलिंग आने वाली है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ इजी राइटिंग, ड्यूरेबल है, सेव आइस, वन की क्लियर, पोर्टेबल, नॉन रेडिएटिव। मतलब कि यार आप इसे कहीं पर भी आसानी से ले जा सकते हैं, ड्यूरेबल है, लंबे समय तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इजी राइटिंग है, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अब यदि बात करें बॉक्स के बैक साइड की, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा डिटेल में लिखा देखने को मिल जाएगा, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर बटन, लॉक स्क्रीन आपको बटन देखने को मिलेगी, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलने वाला, एलसीडी पैनल है, राइटिंग स्टाइलिश, यहाँ पे नेम एलसीडी राइटिंग टेबलेट लिखा देखने को मिल जाएगा, मॉडल ZH16 है, इनपुट DC 5 वोल्ट, बैटरी कैपेसिटी 200 mAh की। आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स के अंदर आपको सबसे पहले एक राइटिंग टेबलेट देखने को मिल जाएगा, एक छोटा सा प्यारा सा यूएसबी चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगा, साथ ही में एक एक्स्ट्रा पेन दी हुई है और मिल जाएगी आपको यूजर मैनुअल। अब बात करते हैं इस वाले राइटिंग टेबलेट की, तो यहाँ पे क्वालिटी तो मुझे काफी शानदार लग रही है। इसकी पैकेजिंग से भी इसे बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की आपको पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी बॉक्स के अंदर भी, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मुझे लग रहा है, एकदम लाइट वेट है, जैसे कि इसके बॉक्स के ऊपर लिखा भी हुआ था पोर्टेबल है, आप कहीं पर भी इसे आसानी से ले जा सकते हैं। और साथ ही में आपको यहाँ पे दो बटने देखने को मिल जाएगी, एक क्लियर बटन है, दूसरी लॉक अनलॉक करने की बटन है, साथ ही में एक इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, LED यहाँ पे लिखा हुआ है और बोल रहा है कि भैया यहाँ से इस वाले लेमिनेशन को हटाना है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसे, चलिए क्लियर कर देते हैं। जब आप इसे लॉक कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रेड वाला इंडिकेटर जल रहा होता है, अभी मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ, अभी अनलॉक हो चुका है। और इस वाले राइटिंग टेबलेट के बैक साइड का इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एक पेन भी देखने को मिल जाएगी। ये जो आपको पोर्ट दिख रहा है, आप केबल लगाइए और इसे अपने मोबाइल फ़ोन के अडॉप्टर से चार्ज कर लीजिए, केबल तो साथ में इसके मिल ही जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये राइटिंग टेबलेट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है, लाइट वेट है और ड्यूरेबल भी है। इसके बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था कि यार लंबे समय तक आप यूज़ कर सकते हैं। इसके पहले हमने 8.5 इंच वाले एलसीडी राइटिंग टेबलेट की अनबॉक्सिंग किया था, उसका साइज छोटा था, इससे आधा था, लेकिन यार बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई एक बड़े साइज वाला, बड़े स्क्रीन वाला, बड़े एलसीडी पैनल वाला राइटिंग टेबलेट की अनबॉक्सिंग करो, तो मैंने ये वीडियो लेकर आया है। प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथमेटिक्स की या फिर कुछ भी, आप मज़ा ही आ जाएगा भाई। अलग अलग आप कलर्स में यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, मतलब कि इस पार्ट में आप लिखेंगे तो अलग कलर में राइट होगा, इस पार्ट में आप लिखेंगे तो अलग कलर में राइट हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो इस पार्ट में आप लिखेंगे तो अलग कलर में राइट हो रहा है, इस पार्ट में आप लिख रहे हैं तो कुछ अलग कलर में राइट हो रहा है। तो आपको कलरफुल राइटिंग देखने को मिलेगी इस वाले राइटिंग टेबलेट में, साइज भी बड़ा है मस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सो गाइस, अभी आपने इस बड़े से 16 इंचेस वाले कलरफुल राइटिंग वाले राइटिंग टेबलेट की अनबॉक्सिंग भी देख लिया और इस वाले राइटिंग टेबलेट को कैसे यूज़ करना है मैंने आपको वो भी बता दिया, और कितना आसान है इस वाले राइटिंग टेबलेट को यूज़ करना वो आपको देखकर पता तो लग ही गया होगा। यदि आपका बच्चा नर्सरी में तो वो भी इस वाले राइटिंग टेबलेट को बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकता है, और यदि आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वाले राइटिंग टेबलेट का यूज़ एज अ रफ कर सकते हैं, एज अ मेमो कर सकते हैं, और साथ ही में ये राइटिंग टेबलेट पोर्टेबल है, आप बहुत ही आसानी से कहीं पर भी इसे ले जा सकते हैं। इसके वेट को लेके आपको भी कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपके बच्चों को करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि यार आप इसे चार्ज कर सकते हैं, यदि इसका बैटरी ख़त्म हो भी जाती है, मतलब कि जब बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो यार यहाँ पे हो सकता है इरेज ना हो, आप लिख रहे हो और इरेज ही ना हो, तो आप इसे चार्ज कर लीजिएगा, सब चीज़ सही हो जाएगा। और साथ ही में इस वाले राइटिंग टेबलेट में आपको इरेज बटन देखने को मिल जाती है,
लॉक अनलॉक करने की बटन देखने को मिल जाती है, एक इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। तो यार ओवरऑल यदि बात करें इस वाले राइटिंग टेबलेट के रिव्यू की, क्विक रिव्यू की, तो यार मेरे हिसाब से तो मस्त प्रोडक्ट है। आपको कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। और यदि आप किसी बच्चे को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, इससे अच्छा तो कोई दूसरा गिफ्ट हो ही नहीं सकता। साथ ही में आपको दो स्टिक देखने को मिलती है, दोनों ही स्टिक मस्त काम करती है, एकदम पेपर पेन वाली फीलिंग आती है। और आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार आप कहीं और लिख रहे हैं। मुझे तो लगता है उससे काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस इस वाले राइटिंग टेबलेट में मिलने वाला है। और इस राइटिंग टेबलेट का साइज भी सफिशियंट है, 16 इंचेस का ये राइटिंग टेबलेट है। यदि आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप मैथ बना रहे हैं, तो मे भी आपको साइज को लेके कोई इशू ना हो। तो ये था 16 इंचेस वाला कलरफुल राइटिंग वाला, एक बड़े से स्क्रीन वाला LCD राइटिंग टेबलेट, जिसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों ने देखा, कैसे यूज़ करना है, क्या क्या फीचर है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है। यदि फिर भी कोई और सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है। मस्त है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। यदि आप भी खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये LCD राइटिंग टेबलेट नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।